प्रदेश में बिजली की कीमतें आसमान छूती दिखाई दे रही हैं। एकाएक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली की कीमतों को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय से आतुर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे यूपीसीएल का तर्क बिजली के खुले बाजार में दाम बढ़ना बताया जा रहा है। फिलहाल यूपीसीएल की सिफारिश पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से 6.5% सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों के इस फैसले से 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने जा रही है। उधर विपक्षी दल बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐसे फैसलों को प्रबंधन की रणनीतिक कमी से जोड़ रहे हैं। खास बात यह है कि इस वित्त वर्ष की शुरुआत में बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे में अब सरचार्ज के नाम पर लोगों की जेब ढीली करने का ये फैसला किसी को भी रास नहीं आ रहा है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी से हालांकि बीपीएल परिवारों को छूट दी गई है, लेकिन बाकी उपभोक्ताओं पर 7 महीने तक का भारी सरचार्ज वसूलने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद अब 100 यूनिट तक 5 रुपए का भार वहन करना होगा। 100 यूनिट से 200 यूनिट तक 25 रुपए तक अतिरिक्त जमा करने होंगे। वहीं 200 से 400 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को करीब 55 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। उधर इससे ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 90 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।